काम आती है। देखा होगा पेशियों पर ढेर लगा हुआ आदमी का, किसी न किसी काम हमें ले आते हैं। मनुष्य का क्या होगा, जीते नहीं कमाया तो मरे से पीछे क्या होगा, बस में हो जाए कुछ नहीं। ए मेरे मन, भगवंत का दर्शन करो, भगवान नजीक आया है उसका दर्शन करो। कैसे होगा, साधन तो बहुत है भगवान के मिलने का दर्शन का, परंतु एक मुख्य साधन है त्याग करो। सुनो, त्याग, किसी का त्याग करें जो आप पता हो गए उसका त्याग करो। जैसे चुड़ाला राजा शुक्रध्वज को कह रही है राजन त्याग करो, राजा ने झोपड़ी ऊपरी सलाद सारी जला के बगीचा बर्तन कुटिया लाठी माला तुम्बी मृगशाला सारी जला के बसनी करके लंगोटी में पाए दी अग्नि। फिर कहने के प्रभु अभी तो सर्व त्याग हुआ, चुड़ाला के नहीं है तो आपने बड़ा नुकसान करा, इसी में आपका क्या, जो आप पता हो गए वो त्याग करो। तभी विचार करने लगी क्या कहें, क्या है मेरा अभी ये शरीर है, इसीलिए शायद वो भजन में गुरु जी कहता है प्रेम से बोलो हरे राम हरि केवल एक तन रहा दिगंबर कहो तो इस पर हार करूं तुम्हारे देखत गिर के गिर के जतन अगर संभाल करूं ऐसे कहकर मरने के हते ऐसे कहकर मरने के हते अपने तन को प्यार किया अब ही जल्दी त्याग करूं अब ही जल्दी त्याग करूं अब ही जल्दी जागू तन यह अब ही जल्दी जागू तन यह जैसे हमने प्यार किया अब ही जल्दी अब ही जल्दी जागू तन यह जैसे इतना प्यार किया जैसे इतना प्यार कहने की दिल में के बाकी एक शैल दिगंबर रहा है नंगा भगवान कहो तो इसको प्रहार कर। ऐसे कहके राजा अपने मरने के हेतु शीशको शीर को तैयार किया अब ही जल्दी त्याग करो त्याग करो तन यह जा से इतना प्यार किया अभी शिशिर का त्याग करे अरे जिससे मैंने इतना प्यार किया है शैल के त्यागे जो भगवान मिले तो बड़ा अच्छा पति कर सरक ने देश कई तो बिहारी वक्त एड़ी सरजी सत्यता न भावी न करे सरज ने भगवान मिले तो बलहारी प्रेम से जोड़ा ये कलता की तुम्बरी हर हीरा की खान सी सदिये जो हर मिले तो भी सस्ता जान ये तन दुख की बेलड़ी गुर अमृत की खान सदिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान ये तो सस्ता होता है बलहन इतना कथा का प्रसंग कल से हो चुका है आज के प्रसंग में योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण में विशिष्ट महाराज कहते हैं राम जी सतगुरु महाराज कहते हैं जिज्ञासु गुरु मुखो में मुख्यो ऐसे कहते राजा ने क्या करा चुड़ाला चुप करके बैठी है अरे गुरने के हते जब दौड़िया गिर के तरफ सूर ही रोक मुनि तब कहा रोक मुनि ने कहा रोक मुनि ने तब कहा राजन करिए धीर अरे रूप ये तन को चाहत मुक्ति का दरवाजा है लाख तो राशि जून चरा कर सब ही काफिर पाता है ज्ञान वेरा दो ज्ञान वेखा
ध्यान उसी में करना है और अर्जुनी में पूछना हो वतपात उसी में करना है। यतन अत गुण तारी लख जो आपस कुछ नहीं कहते हैं बोले इनसे तो यह बोलत ना कर चुकी रहते उसके त्यागे त्याग न होता राजन सुरत सुजाग करो उसके त्यागे त्याग होवे तुम उसी का अब त्याग करो जिसके जागे जिसके जागे याद हो तुम उसी का प्रेम से बोले रहे हैं। जब राजा दौड़ने लगा गिर के हित जब दौड़िया जब दौड़ा पहाड़ के तरफ गिर के तरफ वीर गिरने हित जब दौड़िया गिर के तरफ सूरवीर जो सूरवीर अपने सर को तैयार किया सारी आश छोड़ दी यही सूरवीर है। प्रेम से बोलो अरे राम रोक मुनि तब कहा राजन धरिए धीर तभी चुड़ाला विचार करा अभी राजा शेर को नाश करेगा मार देगा। उठ के खड़ी हुई भुजा उठा के भरे आवाज के हे राजन धीर करो खबरदार इधर आओ। प्रेम से बोलो अरे राम राजा आया कहो गुरु जी चुड़ाला कहती है हे राजन रूप ये तन क्यों त्याग मुक्ति का दरवाजा है ये पुण्य शरीर ये मुक्ति का मोक्ष का दरवाजा है मनुष्य चोला मनुष्य चोले नहीं मोक्ष होगा देवलों का भोग भूमि है जितने प्रेमी बैठे इसी को क्यों त्यागते हैं लाख चौरासी तीन करा कर सभी का सिर ताजा है चौरासी लाख जूनी चर अचर चरमाना चेतन चलने वाला अचरमाना दृक्षाद ये सारे का सरताज है मनुष्य चोला ज्ञान विज्ञान ज्ञान वैराग विज्ञान विवेका ज्ञान उसी में धरना है ज्ञान ध्यान वैराग विज्ञान ये मनुष्य चोले में तो ध्यान धरना भजन करना है और अर्जुनी में कुछ ना हो वक्त काज उसी में करना है चौरासी लाख जूनी में खाने पीने बाल बच्चों के पैदा करने से बिगड़ कोई काम हो गई नहीं कोई कर नहीं सकेंगे इसी मन से जो लेने का जो करना है हे राजन हरि यतन अत गुण तारी लख जो आपस कुछ ना कहते हैं ये शरीर तो बड़ा गुणकारी है वो कुछ नहीं कहता है जड़ जो बोलो तो बोले न तो बस बोले शरीर थोड़ा बोलेगा चले तो चले न तो बैठा रहे ये शरीर जड़ है बोलो तो बोलता है न तो चुप ही रहता है बोलो इनसे तो यह बोलत ना कर चुप ही रहते हैं इसके त्यागे त्याग न होता हे राजन आप जो शरीर को त्याग करते हो इसी से त्याग नहीं होगा सर्व त्याग नहीं होगा राजन सुरत सुजाग करो हे राजन अपनी सुरती को धरती को विवेक के अंदर बलवान करो जिसके त्यागे त्याग होवे जिसके त्यागे त्याग होवे तुरंत उसी का त्याग करो जिसके त्यागी में त्याग होवे उसका आप त्याग करो। शरीर तो पांच तत्व का है शरीर के त्यागे जो मुक्ति भगवान मिल जावे तो फिर कोई कर्म साधन करने की कोई जरूरत नहीं है सत्संग की भी जरूरत नहीं है दान पुण्य की जरूरत नहीं है गुरु के शरण में जाने की भी जरूरत नहीं है। शरीर तो एक दिन त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे नहीं सारे त्यागेंगे ये शरीर के त्याग से मुक्ति हो जावे भगवान मिल जावे तो फिर साधन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितने प्रेमी बैठे याद करना अभी वेदांत आता है शरीर के त्यागे हो गए कार्य तो शरीर का एक दिन आप ही त्याग होगा
फिर साधन करने की क्या जरूरत है? त्याग करना है। क्या त्याग करना है? प्रेम से बोलो। अरे